शेखपुरा कॉन्स्टेंसी में किशनबाग डिवीज़न में असद बाबा नगर बोल के इलाका है। वहाँ पर मोहम्मदिया मस्जिद कने एक मोहम्मद अयान बोल के 10 साल का लड़का था। एक अपने दोस्त के संगात पीछे की तरफ मूसा नदी लगती उधर खेलने के लिए गया था। वहाँ पर जंगली कुत्ते ये दोनों बच्चों के ऊपर अटैक करे। एक बच्चा तो बचकर निकल चुका, ये बच्चा कमज़ोर होने की तरफ से भाग नहीं सका। वहाँ पर जंगली कुत्ते ये बच्चे को चीर पाड़ करने की तरफ से बच्चे का इंतकाल हो गया। इमीडिएटली हमारे कारपोरेटर हुसैनी पाशा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उस इलाके के सदरों से हम जैसा मालूम हुआ इमीडिएटली उस घर के ऊपर पहुँच कर बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज बॉडी आई है और बॉडी आई बात मैं इस एरिए के कॉरपोरेटर और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स इस किशनबाग इलाके में आए और तफसील हालात से पूरा जायज़ा लिया गया। आपके चैनलों के ज़रिए मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाहली की तरफ से, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टाफ की बदकलामी की वजह से ये आज एक मासूम बच्चे की जान गई है। मैं जोनल कमिश्नर को इसके पहले भी बातचीत के अंदर मैं हमारे कॉरपोरेटर्स कहे कि महलों में जंगली कुत्तों की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है, आप इमीडिएटली अपने स्कॉट्स को भिजाकर उस कुत्तों को पकड़ना चाहिए। जैसा काम होना चाहिए था वैसा काम बल्दिया नहीं करी, उसकी तरफ से आज एक असद बाबा नगर के अंदर जान चली चुकी है। फिर एक मर्तबा मैं आपके चैनलों के ज़रिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके स्पेशल टीम्स बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के जितने स्लम इलाके हैं, ख़ास तौर से मूसा नदी को जो लगते इलाके हैं, यहाँ पर जंगली कुत्ते ज़्यादा है। असद बाबा नगर होने दीजिए, महमूद नगर, एमओ कॉलोनी, शरीफ नगर, नजम नगर और हमारा फारूक नगर, फातिमा नगर, गुंटाल शाह इलाका, नवाब साहब कुंटा, इस इलाकों में ज़्यादा काफ़ी तादाद कुत्तों से भरी हुई है, जंगली कुत्तों से। आज एक बच्चे की जान गई है, खुदा ना खास्ता आगे जाके नुकसान ना हो। फिर एक मर्तबा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इमरजेंसी स्क्वाड्स को भिजाइए और क्या बोलते हैं जितना हो सका कुत्तों को पकड़ाने की कोशिश करिए आप। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में रहकर आवाम का साथ दी है। मैं आपके चैनलों के ज़रिए उस ख़ानदानी अफराद से कहना चाह रहा हूँ जो भी मदद हो सके, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके साथ रहकर आपके साथ ठहरी है और मदद करेगी। जितने भी जो बच्चे की जान गई है कलेक्टर के तहत अपत बंधु के स्कीम के तहत, हम उस बच्चे को एक्सग्रेशिया दिलाने की कोशिश करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से उस फैमिली को एक्सग्रेशिया दिलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं फिर एक मर्तबा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से गुजारिश करता हूँ कि आप स्पेशल स्क्वाड्स को भिजाइए, स्पेशल टीम्स को भिजाइए। आज जो आज एक नुकसान हुआ है, हमारे बच्चे की एक जान गई है, आइंदा आगे जाकर फिर एक मर्तबा ये दोबारा ना हो सके वो कोशिश करिए आप। शुक्रिया।